नमस्कार दोस्तों, हम आपको 25 अप्रैल को होने वाले बुध के राशि परिवर्तन के बारे में खास जानकारी देने वाले हैं। दरअसल 25 को बुध मीन से मेष राशि में प्रवेश करने वाला है और मेष में पहले से ही सूर्य बैठे हैं, इसीलिए बुध के प्रवेश करते ही सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन जाएगा, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। लेकिन वो असर कैसा होगा, ये जानते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी से। तो आज इस पोस्ट में बात करूंगा मैं बुध ग्रह के बारे में, जिनका गोचर 25 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे को मीन राशि से अपनी मेष राशि में हो रहा है, जहां पे उनके मित्र सूर्य देव पहले ही विराजमान है। और मैं आप सबको ये बताऊं को कि वो 23 अप्रैल को सुबह 5:10 पे पूरब में अस्त भी हो रहे हैं, तो जो दोबारा 16 मई को शाम को पश्चिम में 7 बजे के आसपास दोबारा उदय होंगे। तो ये जो कुछ दिन उनका अस्त रहना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या उपाय कर सकते हैं कि जिसके हमें दुष्प्रभाव बुध देव के ना मिले। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बुध देव का आपको परिचय दूंगा कि जो हमारे नवग्रह हैं उनमें बुध देव का भी बहुत ज़्यादा ही एक स्थान है हमारे जीवन में, हमारे ज्योतिष में और हमारे जीवन काल में भी, क्योंकि वो बुद्धि के कारक हैं, तो वो उनका हमारे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा महत्व है। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि इनके जो शुभ घर हैं हमारी कुंडली में लाल किताब के हिसाब से, वो कौन कौन से हैं। इनका पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, ये तो इनके उत्तम घर बताए गए हैं। और जो इनके मंदे घर हैं वो है तीसरा, आठवां, नौवां और बारहवां, ये इनके मंदे घर हैं जहाँ पर इनका अशुभ फल मिलते हैं हमें। और दसवां और ग्यारहवां इनका मिला जुला घर है जहाँ पे इनके मिले जुले फल मिलते हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊँ कि बुध ग्रह अगर किसी भी घर में कुंडली में अकेले अगर बैठे हैं तो वो वहाँ पे कई बार भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन चौथे घर में अकेला बैठना उनका शुभ फल देता है। इसके अलावा अगर किसी घर में अकेले बैठ जाएं, किसी ग्रह का उनको साथ ना मिले या मित्र ग्रह की दृष्टि उन पर ना हो, तो वो अस्त व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में। और जिस जातक की कुंडली में ऐसा योग होगा तो वो भी अपने जीवन में अस्त व्यस्त रहेगा, उसका कोई भी कामकाज सीधा नहीं चलेगा, उसको अपने कामकाज का हिसाब किताब नहीं रहेगा और ज़िंदगी में काफ़ी उनको लॉस होगा। तो ये ग्रह का नेचर है बुध का। बुध का सबसे ज़्यादा अच्छा फल मिलता है जितना वो सूर्य के साथ रहें या सूर्य के नज़दीक रहें, क्योंकि सूर्य से उनको ऊर्जा मिलती है बुध को, और वो बुद्धि अच्छी चलती है और नेक चलती है और ज़िंदगी में उन्नति मिलती है अपनी बुद्धि के द्वारा, और उनके किए हुए कार्य चमकाते हैं जीवन में उनको। तो जिस जातक की कुंडली में सूर्य बुध का साथ है तो वो काफ़ी उनके लिए प्रबल है, उनको काफ़ी अच्छे कार्य ज़िंदगी में मिलते हैं, उनका जीवन बहुत सुखदायी होता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। और उसके बाद अगर वो शुक्र के साथ बैठते हैं तो शुक्र के साथ भी लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, सूर्य के बाद उनके मित्र ग्रह जो शुक्र है सबसे पास है, तो इसका साथ भी बहुत अच्छा रहता है। और अदरवाइज मंगल या शनि या किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाएं तो बुध उनके प्रभाव में आके वैसे कार्य करता है जैसा वो अगला ग्रह करवा रहा है। और शुभ बुध अगर बैठा है तो वो शत्रु ग्रहों से भी अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। तो जैसे जैसे जिस जिसकी कुंडली में बुध का बैठना जिस ग्रह के साथ अगर वो प्रबल है तो वो अपने बुद्धि और अच्छे कार्यों के दौरान आगे बढ़ता जाता है ज़िंदगी में। तो आज मैं बताऊंगा कि किस लग्न पे किस घर में बुध का ये गोचर होगा और हमें उसमें क्या संयम रखना चाहिए ताकि उनके हमें दुष्प्रभाव ना मिले। तो आप अपनी कुंडली में ये देख सकते हो कि हमारा क्या लग्न है और मेष राशि कहाँ पे है जहाँ पे उनका गोचर हो रहा है, तो हमें क्या आगे जाके अपना थोड़ा सा नियम रखने चाहिए ताकि हमें उसके शुभ फल मिले। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मेष लग्न वालों के लिए। मेष लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है उनके लग्न में ही होने जा रहा है जहाँ पे सूर्य देव पहले ही विराजमान है और ये उसका उत्तम घर है बुध का माना गया, और सूर्य का साथ मिल जाए तो इससे सोने पे सुहागा हो गया, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आप अपना जो भी आगे नई काम की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा संयम रखें, बस आपके लिए यही है। अगर आपकी कुंडली में मंगल का भी अच्छे घर में बैठे हुए हैं तो आपके हर काम में आपको उन्नति मिलेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको शुभ फल ही मिलेंगे। लेकिन किसी भी काम में जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि मंगल की मेष राशि में अगर आ जाए
और उत्तेजना आ जाए आपकी बुद्धि में, तो वो वहां पे आपको हानिकारक हो सकती है, आपको धन हानि हो सकती है, आपको कुछ और ना कोई नुकसान हो सकता है। उससे आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको हरे रंग के कपड़े नहीं धारण करने चाहिए और आपको मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। आप इसका ध्यान जरूर रखें तो आपको इसके शुभ फल मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा वृष लग्न वालों के लिए। वृष लग्न वालों के लिए ये जो गोचर हुआ है वो आपके 12वें घर में हुआ है, जहां पे सूर्य और बुध का मेल होगा और बुध होंगे अस्त, जो अपना उतना प्रभाव दे ही नहीं पाएंगे और वैसे भी उनका वो नीच घर है। तो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये है कि आपको ये मानसिक तनाव देगा अचानक, और अचानक फालतू खर्चे आ जाएंगे आपके ऊपर, जिसका बोझ आप अपने मन पे ले लोगे या दिमाग पे ले लोगे, जो आपके लिए आने वाले टाइम में सेहत को भी हानि पहुंचा सकता है और घर पे भी कोई छोटी छोटी बात पे मतभेद हो सकते हैं। उससे आप थोड़ा सा बचाव रखें कुछ देर, क्योंकि अभी ये 16 मई तक अस्त रहेंगे, तब तक आप अपने आप पे संयम रखें, अपनी बुद्धि पे थोड़ा जोर दें और ऐसे अपशब्द ना निकालें मतभेद में के दौरान, जो आपके घर पे कलह का रूप ले लें। आपको क्या करना चाहिए, आपको पीला धागा गले में धारण करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए और हरी दाल रात को भिगो के सुबह छत पे पक्षियों के लिए डालनी चाहिए। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे और मंदे प्रभाव कम होंगे। अब मैं बात करूंगा मिथुन लग्न वालों के लिए। तो मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है उनके 11वें घर में हो रहा है, उनकी कुंडली के 11वें घर में हो रहा है, जो हमारा इनकम का घर है, और उनकी दृष्टि रहेगी 5वें घर पे, जो हमारा बुद्धि का घर है। तो कुल मिला के आपके लिए ठीक है, लेकिन आपके लगन में राहु चल रहे हैं अभी और 8वें घर में शनि मंगल और बृहस्पति हैं, तो आप अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। आप अपने खान पान पर ध्यान रखें ताकि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। आप ठंडा पानी ना पिए, एकदम ऐसी चीजें ठंडी ना खाएं और बेड पे बैठ के खाना ना खाएं, अगर आपने अपने सेहत ठीक रखनी है, नहीं तो आपके स्वास्थ्य पे संबंधी कोई ना कोई समस्या उजागर होगी। और किचन में जो खाली बर्तन है उनको ढक के ना रखें, उनको खुला रखें, या उन पे कोई ना कोई चीज रखें, उनको खाली भी ना रखें और ढक के भी ना रखें, और कोई ना कोई चीज उसमें रख दें, और बेड पे बैठ के खाना ना खाएं। आपके लिए ये करना शुभ शुभ होगा। अब मैं बात करूंगा कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है उनके 10वें घर में हो रहा है, जहाँ सूर्य बुध का मेल होगा, और आपका जो गोचर में शुक्र भी है वो भी आपके इनकम के घर में चल रहे हैं, जो बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा है, और बैठे भी अपनी राशि में है, तो आप के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन आपको संयम ये रखना होगा कि आपके गोचर में राहु भी 12वें चल रहे हैं, जो अपने नीच घर में बैठे हैं, जो अचानक खर्चे में बढ़ोतरी करते हैं या कोई ना कोई समस्या पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो आपको चौड़े पत्ते वाले पौधे घर पे नहीं लगाने चाहिए, मनी प्लांट भी आपके घर में ना हो तो अच्छा है, और उसके बाद आपको चांदी धारण करनी चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चांदी का चकोर टुकड़ा भी गले में धारण कर सकते हो आप, ये आपके लिए शुभ है, और 22 सितंबर के बाद आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। और 9 मई को इनका गोचर होगा बुध का शुक्र में, जब वो भी आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। कुल मिला के आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ये आप अपना नियम रखें। अब मैं बात करूंगा सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न का ये जो गोचर है उनके 9वें घर में हो रहा है, और सिंह लग्न का सूर्य और बुध का 9वें बैठना, सूर्य का लग्न है, सूर्य 9वें बैठना बहुत ही शुभ होता है बृहस्पति के घर में, जब सूर्य देव बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना होगा, लेकिन यहाँ पे बुध के बहुत दुष्प्रभाव मिलते हैं, रूढ़िवादी हो जाते हैं, बुद्धि धर्म से हट जाती है और अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है जातक, और बड़ों को आदर सम्मान नहीं दे पाता कई बार। तो वहां पे आपको संयम रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हर बुधवार को मिट्टी के खड़े में मशरूम भर के धर्मस्थान में देखे आए, ये आपके लिए अच्छा है, और कन्या पूजन करें और बड़ों का आदर सम्मान करें, ये आपके लिए ठीक है। तो आपको बुध के मकी जो अशुभ फल नहीं मिलेंगे। अब बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है उनके 8वें घर में हो रहा है, जो मंगल का घर है, और 8वां घर बुध के लिए इतना उत्तम नहीं माना गया है, और वैसे भी इसमें क्या हुआ कि आपका लग्नेश 8वें जा रहा है, तो आपको अपनी बुद्धि पे, अपने मन पे, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने के संकेत है। लेकिन 8वें घर का जो मालिक मंगल है वो इस वक्त अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वो अच्छा संकेत है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि को कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी उत्तेजना आएगी और आपको हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं।
तो उससे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, वैसे भी कहते हैं जब बुध आठवें हो तो घर का मंदिर बार बार ना बदलें, तो ये आप अपने घर का स्थान बार बार ना बदलें और पीले वस्त्र धारण करें, तो ये भी आपके लिए शुभ है, और कन्या पूजन और देवी पूजन करें, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करूंगा मैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न का ये गोचर हो रहा है उनके सातवें भाव में, और सातवें भाव में जो बुध है वो वैसे भी पारसमणि माने गए हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा गोचर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अभी बुध अस्त है तो तब भी आपके लिए ये कोई दुष्प्रभाव नहीं लाएंगे, आपके लिए अच्छा ही होगा। और आपको जितना भी हो सके तो हरा चारा गाय को खिलाएं, या गाय को कुछ भी खिला सकते हैं आप, जितनी गाय की सेवा करेंगे, क्योंकि सातवां घर उसके मित्र शुक्र का है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा योग देते हैं बुध बुध देव। और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी अगर बुध अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं तो आपको आने वाला टाइम बहुत लाभ देगा, तो आप गाय की सेवा रूटीन में करें तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये मैं बताऊंगा कि आपका जो जो गोचर चल रहा है अभी, तो वो मिला के देखूं तो बुध शुभ है, तो बुध का अगर मैं गोचर देखूं तो वो छठे भाव में हो रहा है आपके, तो छठा भाव बुध का अपना घर है, और मंगल के भी यहाँ पे जो गोचर है वो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, वो आपके पराक्रम घर में चल रहे हैं वृश्चिक वालों के लिए, तो आपका टाइम तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं वो आपको निकलने का, उसमें से निकलने का बहुत अच्छा इस वक्त जो टाइम है वो सोच समझ के बैठ के निकलने का टाइम है, वो आपको कोई ना कोई राह मिल जाएगी। जो भी आपके ऊपर जो भी मानसिक तनाव या किसी का लेन देन या कर्जा या भी कोई लोन की EMI जो भी आप सोच रहे हो, उससे निकलने का आपको इस वक्त अच्छा रास्ता मिल जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर बारिश का पानी हो सके बोतल में भर के अपने घर पे स्थापित करें, ये आपके लिए अच्छा है। तो उसके बाद छोटी कन्याओं की और गणेश का पूजन करें, गणेश जी को स्नान कराएं कच्चे दूध से, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। इसके लिए इसके बाद मैं बात करूंगा धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है वो उनके पांचवें घर में हो रहा है, पांचवा घर सूर्य देव का, और यहाँ पे जब बुध बैठते साथ में तो जातक को बहुत धार्मिक और बुद्धि कारक बना देते हैं। यहाँ का बुद्धि वाला जो मैंने यहाँ पे बुध देखा है वो बहुत समझदार होते हैं अपने परिवार के, वो परिवार का नेक बंदा होता है जो खानदान को तारने वाला होता है। तो आपका भी गोचर आपको लिए शुभ फल लेके आएगा। तो आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको तांबे का सिक्का धारण करना चाहिए गले में, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपको बुद्धि में स्ट्रोंग करके आपको सही निर्णय देगा जो आपके भविष्य के लिए अच्छे होंगे। अब मैं बात करूंगा मकर लग्न वालों के लिए। अब मकर लग्न वालों के लिए थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके लग्न में अभी शनि मंगल और बृहस्पति चल रहे हैं, शनि आपकी अपनी राशि में, मंगल अपनी उच्च राशि में, और बृहस्पति यहाँ पे नीच राशि में है आपके लग्न में। और शनि देव जब भी लग्न में होते हैं तो जातक को आलसी करते हैं, और आलसी होने के बाद मंगल उसमें क्या करेंगे, आपको बार बार पे गुस्सा लाएंगे, और बृहस्पति आपको उस कुछ धर्म की चीजों से बेमुख कर देंगे। ये ध्यान रखें आप, अगर ये ध्यान रखेंगे तो बृहस्पति के भी उत्तम फल मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति भी पहले घर में बहुत अच्छे होते हैं। तो शनि देव जब लग्न में होते हैं तो वो जातक को आलसी करते हैं, अगर वो जातक आलसी होता है तो उसके सारे बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। और मकर लग्न वालों का ये जो गोचर बुध का हो रहा है वो चौथे भाव में हो रहा है, चौथा भाव बुध का बहुत नेक माना गया है, यहाँ पे जातक को एक अच्छा उत्तम व्यापारी बनाते हैं, या व्यापार की तरफ उसका रुझान करके उसको अच्छे संकेत देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका लगन, जिनका मकर लगन है उनके लगन में सातवें घर में बुध विराजमान है और उनका गोचर चौथे में हो रहा है, तो वो आपको आगे जाके बहुत अच्छा व्यापार देने वाले हैं, ये आप देख लीजिए। लेकिन अगर थोड़े से नियम ये हैं कि अगर आपको अभी कोई धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो आपको सोने की चेन धारण करनी चाहिए गले में, जो परमानेंट आप धारण कर रखें। और अगर कोई मन की शांति नहीं मिल रही है आपको, तो मन की शांति के लिए आपको चांदी की चेन धारण करना बहुत शुभ होगा गले में, तो ये करें आपको, आपको शुभ फल मिलेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न का ये गोचर जो बुध का हो रहा है वो तीसरे भाव में हो रहा है, तीसरे भाव में सूर्य का बैठना तो बहुत उत्तम है, लेकिन बुध यहाँ पे बहुत अशुभ हो जाते हैं, बिना बात में परेशानियां, भागदौड़, समस्या। अगर जातक कहीं नहीं जा रहा तो वो बेचैनी रहती है उसके मन में, भागदौड़, दिल को बेचैनी, दिमाग को बेचैनी रहती है हर वक्त। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जितनी आपकी उम्र है उतने आम के पत्ते लें, कच्चे दूध से धो के किसी खाली जगह में किसी भारे पत्थर के नीचे दबा दें। ध्यान रखें कि वो पत्ते आपको जमीन में नहीं दबाने,
आपको जमीन के ऊपर रख के किसी भारी पत्थर के नीचे दबाने हैं। ये करने से आपके तीसरे घर के बुध के नेक फल मिलेंगे, तो ये आप करें। अब मैं बात करूंगा मीन लग्न वालों के लिए। तो मीन लग्न वालों के लिए ये बताऊंगा, ये गोचर आपका हो रहा है दूसरे भाव में, जो शुक्र का घर है। चंद्र यहाँ पे उच्च घर है और बृहस्पति यहाँ के कारक ग्रह हैं। तो आपका गोचर जो हो रहा है मीन लग्न वालों का, वो हो रहा है आपका दूसरे घर में। तो गोचर में भी आपको अगर बताऊं तो आपके कुल मिला के अब जो शनि बुध शनि बृहस्पति और मंगल है वो आपके 11वें घर में चल रहे हैं गोचर में। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दूध और चावल का दान मंदिर में देना चाहिए रूटीन में। इससे आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे बुध देव के। तो एक ये आप करें, धर्मस्थान में ये देते रहें तो आपको शुभ फल मिलेंगे। तो इससे आपको सारे जो आपके काम है, जो धन संबंधी हैं, जहाँ कहीं धन फंसा हुआ है, तो वो भी आपको मिलने के पूरे योग मिल रहे हैं। तो ये कुल मिला के आज इस पोस्ट में हमने बुध के बारे में बात की है, उनके अस्त होने में और गोचर के बारे में। तो अगली पोस्ट में फिर मैं किसी ग्रह के बारे में ऐसे ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।